दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्प टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम BBM कॉलेज बलियापुर के यूई सेमेस्टर थर्ड और यूई सेमेस्टर फाइव के एडमिशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी तक BBM कॉलेज बलियापुर ने अभी तक अपना कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया था कि वो अपना सेमेस्टर थ्री और सेमेस्टर फाइव के जो स्टूडेंट है वो अपना एडमिशन का पेमेंट किस तरह करेंगे। इससे संबंधित उन्होंने नोटिस जारी किया है और साथ ही साथ जो भी छात्र छात्रा है यूई सेमेस्टर थर्ड के BBM कॉलेज के, वो अपना इंटरनल क्वेश्चन पेपर किस तरह का डाउनलोड कर सकते हैं, इससे संबंधित आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक जो बात, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो अगर चाहें तो उस ग्रुप में ऐड हो जाए। इसके बाद किसी कॉलेज संबंधित कोई भी नोटिस आती है, कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये नोटिस आया हुआ है कि विनोद बिहारी महतो कॉलेज बलियापुर, ठीक है, सेमेस्टर थर्ड एवं सेमेस्टर फाइव में नामांकन एवं मासिक शुल्क जमा करने हेतु आवश्यक सूचना, यानी जो आपका एडमिशन का शुल्क है उसके संबंधित सूचना दी गई है कि स्नातक सेमेस्टर थर्ड एवं फाइव यानी यूई सेमेस्टर थर्ड एवं फाइव में अब तक जिन छात्र छात्राओं ने अपना नामांकन एवं मासिक शुल्क इत्यादि जमा नहीं कर पाया था, उनका नामांकन एवं मासिक शुल्क लॉकडाउन खत्म होने के पश्चात महाविद्यालय खुलने पर पुनः नामांकन एवं मासिक शुल्क जमा लिया जाएगा तथा निर्धारित तिथि की सूचना महाविद्यालय खुलने पर दी जाएगी। यानी देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ऑफलाइन में एडमिशन हो रहा था BBM कॉलेज बलियापुर में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फिर उसको रद्द कर बीच में बंद कर दिया गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तब आप भी जो छात्र छात्रा यू सेमेस्टर थर्ड में यू सेमेस्टर फाइव में वो अपना एडमिशन फी पेमेंट करिएगा और आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा BBM कॉलेज बलियापुर का। ठीक है, अब रही बात क्वेश्चन पेपर की, आप यू सेमेस्टर थर्ड का अपना क्वेश्चन पेपर किस तरह देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपको BBM कॉलेज बलियापुर के वेबसाइट पर तो नहीं मिलेगा, ये मुझे कहीं से मिला है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस PDF को पाने के लिए आप जो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, मैं वहाँ ये PDF अपलोड कर दूंगा, या फिर जो भी छात्र छात्र टेलीग्राम जुड़े उसके बाद मुझे मैसेज करिएगा कि सर आप BBM कॉलेज बलियापुर का जो इंटरनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर वो अपलोड कर दें तो मैं वहाँ भेज दूंगा। ठीक है, देखिए ये है आपका BBM कॉलेज बलियापुर का इंटरनल एग्जामिनेशन। देखिए लिखा हुआ है क्लास BA सेमेस्टर थर्ड, देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ कमर्शियल गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स कोर 5, यहाँ पर देखिए बल्कि कोर 6 लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें से आपको सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देना है, यहाँ पर देखिए आंसर यानी वन क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर भी आपका कोर 7 का है, फिर BA सेमेस्टर थर्ड का देखिए है। ठीक है, ये इसमें भी आपको सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देना है। ठीक है, इसके देखिए आप नीचे जाइएगा तो आपको BA है इकोनॉमिक्स ऑनर्स का मिलेगा, आपको हर जिस भी आप ऑनर्स के छात्र छात्रा हैं आपको यहाँ पर सारा का सारा मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ डिस्प्ले पे कि आप किस तरह देखिए आपका क्या क्या क्वेश्चन है, ताकि आपको स्क्रीनशॉट मारने में सुविधा हो थोड़ी। देखिए ये आपको इंग्लिश कोर का दिया हुआ है, फिर नीचे जाइएगा तो देखिए BA ज्योग्राफी कोर का है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ ज्योग्राफी ऑनर्स का ही है। ठीक है, देखिए ये कुरमाली कोर 3 कोर 5। ठीक है, यहाँ सब कुछ दिया ऑल टोटल आपको। देखिए फिजिक्स कोर है, फिजिक्स पेपर 6 है, पेपर 7 का है। ठीक है, फिजिक्स जेनरिक का भी है। फिर देखिए ये आपका का आ गया आपका सोशियोलॉजी पेपर का आ गया आपका। देखिए ये आपका उर्दू का सेक्शन आ गया। देखिए ये जूलॉजी ऑनर्स वाले छात्र छात्रा को है तो उनका क्वेश्चन पेपर ये रहा। देखिए तो ये PDF जो है आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, उसके बाद मुझे मैसेज करिएगा, मैं वहाँ ये PDF अपलोड कर दूंगा तो आप वहाँ से आराम से इस PDF को पा सकते हैं, उसके बाद अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लीजिएगा। और कॉलेज के कोई टीचर से अगर आपका कॉन्टैक्ट है तो उनसे पता करिएगा कि ये क्वेश्चन पेपर आप किस तरह करके जमा कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अपने कॉलेज संबंधित, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।